like a resort. Yes, you're right, I am in the Trishla city. But before going on with the video, let's first have the glimpse. बात करूं प्रोजेक्ट की लोकेशन की तो त्रिशला सिटी अम्बाला पटियाला हाईवे के बिल्कुल एडजॉइंट है और इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी यहां से बहुत ही पास है। बात करूं मैं कनेक्टिविटी की तो जैसे कि मैंने कहा था कि अम्बाला पटियाला हाईवे यहां से एडजॉइंट है, तो इसका मतलब आप दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश यहाँ से इजिली एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही मैं नियर बाई प्लेसेस और हॉटस्पॉट्स की बात करूँ तो सारे मेजर स्कूल्स लाइक मानव रचना, मानव मंगल, सेंट जेवियर्स यहाँ से बिल्कुल 5 to 10 मिनट्स की ड्राइविंग के डिस्टेंस पर है, प्लस सारे मेजर स्कूल्स भी यहाँ के पास में ही हैं। और अगर मैं प्लेसेस की बात करूँ तो यहाँ से डीकैथलॉन, जू, सब कुछ 5 to 10 मिनट्स के ड्राइविंग डिस्टेंस पर है। साथ ही एयरपोर्ट भी बिल्कुल एडजॉइंट है। तो चलिए लेट्स एक्सप्लोर द सिटी। सो दिस इज द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ दिस टाउनशिप। आप देख सकते हैं यहाँ पर मल्टी लेवल आपको सिक्योरिटी मिलेगी जिसमें कि बूम बैरियर आपको स्टार्टिंग में ही मिल जाएगा। तो अब हम प्रोजेक्ट के अंदर चलते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितनी ग्रीनरी है। आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर 80% आपको ओपन एरिया मिलेगा और 20% कंस्ट्रक्टेड एरिया मिलेगा जिसमें कि 4 acres में यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ग्रीन एरियाज हैं। कितने अच्छे से वेल मेंटेन्ड यहाँ पे ग्रीन एरिया है, प्लस आपको यहाँ पे क्लब हाउस भी मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको ले चलती हूँ क्लब हाउस में। सो दिस इज द एंट्रेंस ऑफ आर क्लब हाउस जिसके नीचे ही आपको मिलेगा जिम और उसके बीच के पोर्शन में मिलेगा आपको पार्टी हॉल एंड सबसे ऊपर है हमारे रिक्रिएशनल एक्टिविटीज का स्पेस। उसके साथ ही आप देख सकते हैं कि क्लब हाउस के बिल्कुल ऑपोजिट ही है हमारा स्विमिंग पूल जहाँ पे आपको किड स्विमिंग पूल एंड अडल्ट स्विमिंग पूल दोनों मिल रहे हैं। तो अब मैं और अमेनिटीज की बात करूं तो यहाँ पर किड्स प्लेइंग एरिया है, पार्क्स हैं, जॉगिंग ट्रैक्स हैं, साइकिलिंग ट्रैक्स हैं, साथ ही यहाँ पे क्रिकेट पिच, बास्केटबॉल भी आपको मिलेंगे। और यहाँ का जो एक और चीज़ है, जो मेन थिंग है, वो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर आपको मिलता है ओपन थिएटर। जी हाँ, ओपन थिएटर है यहाँ पर और उसके ही पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पे कमर्शियल शॉप्स भी हैं। तो जिसका मतलब है आपकी बेसिक नीड्स की, आपको सारी ज़रूरतों की जो चीज़ें हैं वो इन शॉप से आपको मिल सकती हैं। So this is the whole view of our township. आप देख सकते हैं मेरे पीछे ग्रीन एरिया, कितने वेल मेंटेन्ड ग्रीन एरियाज हैं। प्लस मैंने इस जगह को रिजॉर्ट से कंपेयर किया था तो आप देख ही सकते हैं कि दिस प्लेस इज एक्चुअली लाइक अ रिजॉर्ट। तो नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर सैंपल फ्लैट। सो दिस इज द मॉडल ऑफ आर टाउनशिप जो कि टोटल 13 एकर्स के एरिया में बना हुआ है जिसमें कि 80% हमारा ओपन एरिया रहेगा और 20% कंस्ट्रक्टेड एरिया रहेगा। इसमें हमारे टोटल 16 टावर्स रहेंगे और ये जो आपको खाली स्पेस दिख रहा है इसमें 8 टावर्स ऑलरेडी डिलीवर कर दिए गए हैं और बाकी ये जो 8 टावर्स आपको दिख रहे हैं ये हमारे अपकमिंग प्रोजेक्ट का पार्ट रहेंगे। और आज की वीडियो में हमने जो आपको अपार्टमेंट दिखाना है वो इन्हीं टावर्स में से है। वो हमारे S+14 के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है जिसमें स्टिल्ट में आपकी पार्किंग रहेगी। यहाँ से आपकी टाउनशिप में एंट्री और एग्जिट रहेगी। हमारा टोटल 4 acres में यहाँ पे ग्रीन एरिया रहेगा। तो चलिए अब चलते हैं हमारे सैंपल अपार्टमेंट की तरफ। सो अब मैं आ गई हूँ आपके 3 BHK सैंपल फ्लैट के बाहर जिसका साइज है 1827 स्क्वायर फीट। सो लेट्स गो इनसाइड। एंट्री पर आपका है ये वेरी ह्यूज डोर जो कि आपको वुडन का लग रहा होगा, पर मैं आपको बता दूं ये वुड का डोर नहीं है, ये है हमारा 35mm स्टील डोर। जी हाँ, ये डोर स्टील का बना हुआ है और इसका बेस्ट एक जो फीचर है वो ये है कि ये फायर रेजिस्टेंस है। इसका मतलब अगर गलती से कभी आपके घर में आग लग जाती है तो यहाँ की आग बाहर नहीं जा पाएगी और अगर बाहर आग लग जाती है तो वो आग आपके घर में नहीं आ पाएगी। प्लस एक और थिंग कि ये आपका मल्टी फंक्शनल लॉक इसमें मिलेगा आपको। और एंट्री के साथ ही हमारे लेफ्ट साइड पर है हमारा फर्स्ट बेडरूम जो कि मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। तो अब मैं आ गई हूँ आपके ड्राइंग प्लस डाइनिंग एरिया में जो कि 18x17 स्क्वायर फीट के एरिया में है।
यहाँ आप ऑलरेडी देख सकते हो कि 6 फीटर सोफा सेट उन्होंने फिट किया हुआ है। इसके बाद भी यहाँ पर मूवमेंट की काफी जगह स्पेस है। प्लस आप देख सकते हैं वेरी ब्यूटीफुल फ्लोर जो कि आपका इटालियन मार्बल की फ्लोरिंग दी गई है, ये आपको अपने अपार्टमेंट में भी सेम एज इट इज ही मिलेगी। ये आपका एलईडी पैनल का स्पेस है, प्लस ये आपको यहाँ पर एसी भी दी जा रही है। जी हाँ, यहाँ पर सिर्फ एसी की डक्टिंग ही नहीं बल्कि आपको एसी भी प्रोवाइड की जा रही है जो कि ऑल वेदर एसी है। प्लस आप ऊपर देखिए, ये सीलिंग देखिए, ये डिजाइनर सीलिंग जैसे कि आप देख सकते हैं, ये आपको एज इट इज मिलेगी विद ऑल दीज सीलिंग लाइट्स। और ये है हमारी बालकनी जो कि आपके फर्दर किचन और आपके फर्स्ट बेडरूम से कनेक्टेड है। नाउ आई एम इन द डाइनिंग एरिया। यहाँ पर 6 सीटर डाइनिंग टेबल ऑलरेडी फिट की गई है, प्लस आप इस चाहे तो यहाँ पर 2 सीटर्स और एड करके इसको 8 सीटर बना सकते हैं क्योंकि यहाँ पे काफी स्पेस है। सो अगेन आई वुड से दिस इज अ वेरी स्पेशियस एंड वेरी लग्जीरियस ड्रॉइंग एंड डाइनिंग एरिया। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द हार्ट ऑफ आर अपार्टमेंट विच इज द किचन। So this is the modular kitchen. This is my personal favorite space in the apartment. तो यहाँ आपको मिलेगी आपके refrigerator की space और this side ये है आपका storage area और ये cot styling है। आप देख सकते हैं size बहुत अच्छा है इस kitchen का, approximately 18x8 square feet का ये size का आपका kitchen होगा। इस तरफ आप देखें तो ये है आपका microwave, ये आपको included रहेगा आपके apartment में। This side ये है आपकी चिमनी और ये है आपका हॉब और इधर है आपका ये भी स्टोरेज एरिया है जिसको कि अगर आप चाहें तो एज अ मिनी बार भी यूज कर सकते हैं। अगेन ये आपको कैबिनेट सेम एज इट इज ही मिलेंगे। यहां पर भी आपके पास काफी स्पेस है चीजें रखने का। नाउ मूविंग फॉरवर्ड अगेन, यहां पर भी आपका स्टोरेज एरिया ऐसा सेम एज इट इज मिलेगा। This is the wet section, this is the dry section और आपको सारे cabinets में soft closer भी मिल रहा है। यहाँ है आपका dishwasher का space, यही wet section के साथ ही आपका dishwasher का space है, उसके नीचे है आपका RO का space। साथ ही आप ऊपर देख सकते हैं तो यहाँ पर आपका गीजर भी है, ये सब कुछ आपको इस किचन में इंक्लूडेड मिलेगा। तो अब चलते हैं हमारे दूसरे स्पेस की तरफ जो कि इसी किचन से अटैच्ड है, हमारी बालकनी जो कि आपके फर्स्ट बेडरूम, आपके ड्राइंग एरिया और किचन की कॉमन बालकनी है। सो दिस इज द बालकनी जो कि आपके 6x4 स्क्वायर फीट के एरिया में है। काफी बड़ी बालकनी है, यहाँ पे आप शाम को इजिली 3 से 4 लोग चेयर लगा के या सो कुछ मिनी काउच लगा के चाय पी सकते हैं, कॉफी पी सकते हैं। प्लस आप रेलिंग का साइज देखिए, काफी अच्छा साइज है, तो अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो उनकी सेफ्टी के लिए एक प्लस पॉइंट है। तो चलिए अब चलते हैं हमारे फर्स्ट बेडरूम की तरफ। ये आपको बालकनी का डोर तो दिख रहा है लेकिन मैं आपको मेन डोर से एंट्री कराऊंगी। तो अगर आप हमारी वीडियो के साथ अभी तक बने हुए हैं तो इसको लाइक कीजिए और हमारे चैनल ट्राई सिटी प्रॉपर्टी गुरु को सब्सक्राइब कीजिए। और अब मैं आपको इस अपार्टमेंट का सबसे अच्छा फीचर बताने वाली हूँ। ये अपार्टमेंट स्मार्ट गैजेट से फुली लोडेड है, आप देख सकते हैं वी हैव दिस स्मार्ट स्विच, तो आप यहाँ से लाइट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। प्लस अनदर थिंग, वी हैव एलेक्सा इन दिस अपार्टमेंट। लेट मी शो यू, एलेक्सा स्विच ऑफ द ड्रॉइंग एरिया लाइट्स। तो देखा आपने, एलेक्सा स्विच ऑन द ड्राइंग एरिया लाइट्स। नाउ अब हम चलते हैं हमारे फर्स्ट बेडरूम की तरफ। सो दिस इज द फर्स्ट बेडरूम ऑफ आर अपार्टमेंट। आप देख सकते हैं बेड एरिया ये है। आपके बेड एरिया के बाद आपको साइड में काउचेस के लिए भी स्पेस काफी दिया गया है। आप चाहें तो इस बेडरूम को एज अ गेस्ट बेडरूम यूज कर सकते हैं या फिर एज अ किड्स बेडरूम यूज कर सकते हैं। We have these wardrobes already installed in your apartment. ये आपको as it is ही मिलेंगी। Plus आपको floor की tiling भी same as it is मिलेगी। This side we have LED panel. ये भी आपको panel इस तरफ same as it is मिलेगा। Over here we have the AC. ये आपको fitted मिलेगी।
Now this is the bathroom of our first bedroom. यहाँ पर आपको फ्लोर की टाइलिंग सेम मिलेगी, वॉल टाइलिंग आपको एज इट इज मिलेगी. ये आपका पार्टीशन, ये सेपरेट पार्टीशन मिलेगा आपको सेम, प्लस आपको ये वैनिटी भी एग्जैक्टली सेम मिलेगी. एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस वॉशरूम इज दिस टच सेंसिटिव मिरर. नाउ मैंने जैसा कि आपको बताया था कि फर्स्ट बेडरूम, ड्रॉइंग रूम एंड किचन बालकनी से कनेक्टेड है, इनकी कॉमन बालकनी है. सो दिस इज द एक्सेस टू आवर बालकनी. और अब हम चलते हैं हमारे अपार्टमेंट के मास्टर बेडरूम की तरफ. सो नाउ वी आर इन द मास्टर बेडरूम ऑफ आर अपार्टमेंट. आप देख सकते हैं कितना बड़ा स्पेस है, कितना प्यारा रूम है. आई लव दिस यार. आपको फ्लोर की टाइलिंग सेम एज इट इज मिलेगी, ये वुडन टाइलिंग है. आपको आपके अपार्टमेंट में भी सेम टाइलिंग मिलेगी. आप देख सकते हैं इतना बड़ा बेड होने के बाद भी आपको उस तरफ स्पेस मिल रही है, इस तरफ स्पेस मिल रही है, यहाँ पर कितनी सारी स्पेस मिल रही है. यहाँ पे ऑलरेडी दो काउचेस हैं, फिर भी मैं कितने ईजिली मूवमेंट कर पा रही हूँ, देख सकते हैं ना आप. प्लस आपको यहाँ पर LED पैनल का स्पेस मिलेगा और वहाँ आपको आपकी AC फिटेड मिलेगी. Now we are in the washroom of our master bedroom. यहाँ पर आपके रहेंगे cupboards. ये cupboards आपको same as it is मिलेंगे. आपको बता दूँ इन cupboards का एक main feature ये है कि ये आपके moisture resistance रहते हैं, तो आपका ये कभी खराब नहीं होगा cupboard. Plus आप इस color, इस washroom का ये color combination देखिए, dark brown and black. I love this color. It's so exciting color. Plus आपको ये vanity जैसे आपको दिख रही है ये as it is मिलेगी. Plus आपकी यहाँ पे gold plated fittings मिलेंगी. आपको ये यहाँ सारे में gold plated fittings हैं. And again mirror भी आपको included है with smart touch. और यहाँ पर आप जो ग्लास पार्टीशन देख रहे हो वो आपको as it is मिलेगी. Plus आपकी floor tiling and wall tiling as it is रहेगी. और ये है हमारी बालकनी का एक्सेस जो कि आपका थर्ड बेडरूम से कनेक्टेड रहेगी. नाउ दिस इज द थर्ड एंड द लास्ट बेडरूम ऑफ आर अपार्टमेंट. अब अगेन आप देख सकते हैं काफी बड़ा बेडरूम है, वहां पर भी स्पेस है, यहाँ पर भी स्पेस है. बेड भी कितना प्यारा है, कितना बड़ा बेड लगने के बाद भी यहाँ पे इजी मूवमेंट्स कर सकते हैं. यहाँ पर आपका रहेगा LED पैनल का स्पेस, वहां रहेंगी आपकी कबर्ड्स. And now, same AC आपको फिटेड मिलेगी. और ये है आपकी बालकनी जो कि आपके मास्टर बेडरूम और थर्ड बेडरूम की कॉमन बालकनी रहेगी. तो ये आपकी बालकनी कॉमन रहेगी, आपके थर्ड बेडरूम एंड मास्टर बेडरूम से कनेक्टेड रहेगी. देख सकते हैं आप कितना सारा स्पेस है यहाँ पर. कितनी बड़ी बालकनी है, आप इजीली यहाँ पे वॉक कर सकते हैं, आप यहाँ पर बैठ सकते हैं. काफी सारी स्पेस है, रेलिंग्स की हाइट भी अच्छी है. यहाँ पर आपको ये जो स्पेस दिख रहा है, ये इस स्पेस को आप एज अ स्टोरेज एरिया यूज कर सकते हैं. यहाँ पे काफी सारा आपका सामान आ जाएगा. पूरे अपार्टमेंट में जितनी भी विंडोज है उसमें आपको टफन ग्लासेस मिलेंगे विद साउंड प्रूफ एंड वाटर प्रूफ. So now let's move forward to the washroom of our third bedroom. So ये है आपका third washroom and the last washroom of your third bedroom. आपको floor tiling as it is मिलेगी, आपको wall tiling as it is मिलेगी, plus this vanity space, vanity area भी आपको same as it is मिलेगा. And over here आपको glass partition भी as it is मिलेगा. So this is all about our today's video. आपको ये video कैसा लगा, आपको ये apartment कैसा लगा हमें comments करके ज़रूर बताएं. If you talk about me, तो मुझे ये project, ये apartment बहुत अच्छा लगा. इतनी greenery आपको कहीं नहीं मिलेगी. Plus आपको ये apartment इतने सारे appliances के साथ, it's so beautiful, so spacious and so luxurious. ऐसी deal आपको कहीं और नहीं मिलेगी. तो अगर आप इस project में interested हैं या आप इसे book करना चाहते हैं तो screen पर दिए गए number पर हमें call कीजिए. और ऐसे ही प्रॉपर्टी रिलेटेड वीडियोस के लिए देखते रहिए ट्राई सिटी प्रॉपर्टी गुरु. टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर.